जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात चलना शुरू होते हैं अदालतों में, तो कभी कोई लीक आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, नहीं आती तो वो रसीदें नहीं आती जिसका पूरी कौम को इंतजार है। आपको IMF के चक्कर बार बार काटने पड़ते हैं। इस हुकूमत ने सिर्फ अमीर तरीन लोगों की सेवा करी है, जो खान साहब के इर्द गिर्द बैठे होते हैं, जिनको आम फहम जबान में ATM बोलते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं पाकिस्तान के, उनको आपने गरीब से गरीब तर कर दिया। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा, वो तकरीबन $3 बिलियन उनके हो जाएंगे जो उन्होंने हमें दिए होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश, मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आजकल मुल्की सियासत जो है ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स पर चल रही है, और डिस्कशन जो है वो इन्हीं ऑडियो और वीडियो लीक्स के इर्द-गिर्द घूमती रहती है, और हर कुछ दिन के बाद कभी कोई बयानी हल्फी आ जाता है, कभी कोई वीडियो आ जाती है, कभी कोई तस्वीर आ जाती हैं, और आजकल एक ऑडियो जो है वो ज़ेरे गर्दिश है सोशल मीडिया पर। ये ऑडियो आई जिसके बाद इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने टेकअप किया, और इसके ऊपर कल से ही हम देख रहे हैं कि हर प्रोग्राम में हर जगह पर इसी पर बात की जा रही है। जस्टिस साकिब निसार की एक मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये ऑडियो है जिसमें वो किसी से बात कर रहे हैं, जिसमें ये तासर नज़र आ रहा है उनकी गुफ्तगू से कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको सियासत से बाहर रखने के लिए ये सारे जो केसेस हैं उनके ऊपर फैसला उनके खिलाफ दिया गया। अब सवाल ये है कि इन ऑडियोज़ की, ये वीडियोज़ की बयान हल्फी जो आ रहे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। दूसरा ये कि ऑपोजिशन की एक मीटिंग हुई है आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी की, जिसमें फैसला किया गया है कि मार्च में वो मार्च करेंगे, पहिया जाम होगा, एहतजाज होगा, रैलियां होंगी, लेकिन सवाल ये है कि मार्च का क्यों जो है इंतज़ार किया जा रहा है। फौरी तौर पर अगर आपने इंतखाबी इस्लाहात या महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है तो फौरी तौर पर क्यों नहीं किया जा रहा है एहतजाज, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरी सबसे अहम डेवलपमेंट ये थी कि IMF से मुआहिदा हो गया है गवर्नमेंट का, और आज जो वज़ीरे ख़ज़ाना है शौकत तरीन, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि $1 अरब अब मिल जाएंगे, और आने वाले दिनों में महंगाई भी मज़ीद बढ़ेगी। साथ ही साथ हर माह पेट्रोलियम की लेवी जो है उसके अंदर ₹4.95 का इजाफा होगा, ये भी उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है। इन तीनों टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ मैं करवा देती हूँ। कैसर अहमद शेख साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ये हमें ज्वाइन करेंगे। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लालचंद मल्ली साहब MNA PTI, सेनेटर ज्ञानचंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और हमारे साथ अहमद रजा कसूरी साहब भी मौजूद होंगे, माहिर कानून हैं, पाकिस्तानी सियासत से भी इनका ताल्लुक है। सर मैं आगाज़ करती हूँ अहमद रजा कसूरी साहब आपसे। सर वीडियो, ये जो ऑडियो आई है ये देखिए, आपने सुनी है? जी कसूरी साहब, आपने ये ऑडियो जो आई है जो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आजकल फ्लोट कर रही है, डिस्कशन हो रही है बड़ी, इसके ऊपर सुनी है आपने? नहीं, मैं नहीं सुन पाया, मैं आई वाज वेरी बिजी। तो अच्छा सर, वो वीडियो उस ऑडियो के बारे में मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। उसमें मुबैना तौर पर जो ऑडियो है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की है, जिसमें वो किसी शख्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इदारों की जानिब से प्रेशर था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको सज़ा लाजमी देनी है, क्योंकि हम खान साहब को लाना चाहते हैं हुकूमत के अंदर, तो इनको सियासत से बाहर रखना ज़रूरी है। तो इसी तरह से राना शमीम जो है साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान, उनकी जानिब से भी बयानी हल्फी सामने आया था, और उन्होंने भी यही कहा था कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस, मैंने सुन लिया। ठीक है, वो आपने सुन लिया है। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए, क्या आप जब अब कहेंगे इसके ऊपर, आपको अब मैंने ये बताया तो क्या इसका, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है इन इस ऑडियो की या इस बयान हल्फी की? देखिए, जब जजेस अपने पावर के पैरामीटर से बाहर निकल जाएं, उनका बुनियादी तौर पर जो उनका जो ड्यूटी है वो है टू डू जस्टिस एंड टू बी फेयर प्ले एंड एक्विटी। अगर वो अपना इससे दायरे से बाहर निकलकर वो कोई पब्लिक फिगर बनने की कोशिश करें, तो फिर यही होता है जो कि अपना ये निसार साहब के साथ हुआ। इन्होंने अपना जो था डैम बनाने में इन्वॉल्व हो गए। भाई, डैम से आपका क्या ताल्लुक है? व्हाट इज़ योर लिंकेज विद डैम? दैट इज़ दी जॉब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आप कहाँ कूद पड़े सी? लेकिन हमारे
अनफॉर्चुनेटली हमारे सम ऑफ द जजेस, नॉट ऑल, उनको बड़ा शौक है कि उनका अखबारों में उनकी हेडलाइंस आएं। मिसाल तौर पर चौधरी इफ्तिखार जब चीफ जस्टिस था तो एक सदीकी जो थे अपना जियो के, वो जब तक कोर्ट में नहीं आता था चौधरी इफ्तिखार खामोश बैठा रहता था। जैसे ही वो उसकी शक्ल देखता था सदीकी आ गया है, तो फिर वो मसलन अगर पुलिस वालों के सामने, मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा, और वो भागा हो जाता था हेडलाइन, मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा, उसी चीफ जस्टिस। अब चीज़ यह है कि जजेस आर नोन थ्रू देयर जजमेंट्स, जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट, एंड जजेस ड्राइव देयर रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी थ्रू देयर जजमेंट। थी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, जो मैं तारीख थोड़ी सी जिक्र कर दूँ, हमारे यहाँ अगर कोई पावर में बैठा हो तो फिर है अपना मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस, जिसमें होल्ड किया गया सालस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स के वेलफेयर ऑफ द स्टेट इज अ सुप्रीम लॉ। अगर पावर में कोई बंदा बैठा हुआ है तो फिर है डॉसो केस के, सक्सेसफुल रेवोल्यूशन गिव्स बर्थ टू अ न्यू लीगल ऑर्डर। उन्होंने 56 के आइन के तहत रेड कर दिया, उन्होंने कहा 56 का आइन तो खत्म हो गया, अब तो अयूब खान आ बैठा है, एंड दिस इज सक्सेसफुल रेवोल्यूशन। कसूरी साहब, अगर ये सबूत लेकर अदालत में जाते हैं, मुतालिका फोरम पे जाती है नून लीग, तो आपको लगता है कि रिलीफ मिल सकता है उनको इन सबूतों की बिना पर, इन वीडियो या फिर जो बयान हल्फी है उसकी बिना पर? देखिए, जो अगर इनमें सच्चाई का आंसर है, जैसे कि आप बड़े एतमाद से इन वीडियोस को दिखा रही हैं, श्योरली यू पीपल आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड आप लोग शो कर रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई का आंसर है तो डेफिनेटली द कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर, एंड टू व्हाट एक्सटेंट दे टेक कॉग्निजेंस आई कांट प्रेडिक्ट, बट दे विल सर्टनली टेक कॉग्निजेंस कि भाई ये क्यों कहा गया, किसने कहा, एंड आई एम श्योर दी जो अपना निसार साहब हैं, जिनको बड़ा शौक था अपनी पब्लिक फिगर बनने का, अगर उन्होंने अपना अपना नोटिस ले लिया कोर्ट सही। अच्छा, बहरहाल उन्होंने तो कह दिया कि ये फैब्रिकेटेड वीडियो है, ये उनकी आवाज़ नहीं है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। उन्होंने तो तरदीद कर दिया कि ये उनकी आवाज़ नहीं है। कैसर अहमद शेख साहब, बड़ा अहम मसला जो आवाम से मुतालिक है वो है महंगाई का, कि हर चीज़ महंगी हो रही है, कुछ भी आम आदमी की पहुंच में नहीं है, और अब ये खबर आई है कि IMF से मुआहदा हो गया है और अब $1 अरब जो हैं वो इस हुकूमत को मिल जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नई नवीद भी सुना दिया कि आने वाले दिनों में बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी हर महीने जो है वो महंगा होगा। तो सर, क्या लगता है आपको, ये कहाँ पर जाकर रुकेगी महंगाई? जी कैसर साहब। अच्छा यूसुफ, आपने बड़ा ऐसा सवाल किया जो कि आजकल हर बंदे की जबान पे है। देखिए ना, 1.5 साल से IMF हमसे समझौता नहीं कर रही थी, जो उन्होंने $6 बिलियन की ट्रांच उसमें से देनी है, तो वो 1.5 साल हो गया हमें उनसे बात करते हुए, वो अपनी कंडीशंस पे कंडीशंस लगा रहे हैं, एक से बढ़ के दूसरी कंडीशन, और हम जिद कर रहे थे, हम ये कह रहे थे नहीं जी, हम तो क्योंकि तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मुआशी नमू बढ़ती रहे, इसलिए हम ना तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, ना ही हम जो बजट में खसारा हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल की लेवी भी कम की है, लेवी सारी ख़त्म कर दी इन्होंने, जो पेट्रोल लेवी का बजट में रखा था, दुनिया में कीमतें बढ़ गई और इन्होंने ख़त्म कर दी। लेकिन IMF ने तो जो टारगेट रखे हुए वो कह रहे हैं कि आपका जो करंट अकाउंट है वो इतना बड़ा खसारा हो चुका है, पहले ही $5.1 अरब तो 4 महीने में करंट अकाउंट खसारा हो गया, और ये उसी तरफ जा रहा है, जैसे कि ये बड़ा PTI वाले ये कहते थे नहीं जी मुस्लिम लीग के दौर में, जबकि $120 था, आज इन्होंने बढ़ा के $175 कर दिया है, लेकिन करंट अकाउंट खसारा वही है, इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से 2.75 गुना हो गई है, और कल इनको बढ़ाना पड़ा 1.5%, 150 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, और अभी अचानक बड़ी जल्दी में थे ये, इन्होंने एक हफ्ता पहले मॉनेटरी पॉलिसी इनकाद किया, और आगे फिर कह रहे हैं कि साल में पहले
छः बार मॉनेटरी पॉलिसी होती थी अब 8 बार होगी, यानी और बढ़ाना चाहना चाह रहे हैं और बढ़ाएंगे, इससे जो महंगाई और बढ़ेगी। देखिए ना, एक तो डॉलर बढ़ रहा है, एक जब आप ड्यूटियां लगाएंगे, आप सेल टैक्स लगाएंगे, आप टैक्स लगाएंगे, आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएंगे, तो महंगाई का तो एक बुरहान पहले ही है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में खुद ही ये कह रहे हैं जो गैस का बुरहान है, जो बिजली का बुरहान, इनसे कोई संभल तो रहा नहीं, ना इनको कोई प्लानिंग थी, ना इनके पास कोई टीम थी, ये तो सारे के सारे बातें करते थे कि 50 लाख हम देंगे, घर बनाएंगे और 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो हालात तो दिगरगूं हो रहे हैं। जब हम इलाकों में जाते हैं तो लोग तो बिल बिला रहे हैं, वो अपने बच्चों की फीस दें, वो बिजली और गैस के बिल दें, या वो खाने पीने, बिल्कुल बड़ी मुश्किल में है आम आदमी इस वक्त। और मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए महंगाई है, इंतखाबी इस्लाहात या उनका मसला नहीं है। वो कहते हैं कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, हमने लेविश खर्च, ठीक है इस वक्त, ठीक है। कैसे साहब साथ ही रहिएगा। रामचंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है इस सारी सूरत हाल के ऊपर? प्रायोरिटी पर आपके लिए इस वक्त क्या चीज़ है? हमेशा पीपल्स पार्टी तो बात करती है आम आदमी की, रोटी कपड़ा मकान की, रोटी कपड़ा मकान जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा हुआ हुआ है। दूसरी तरफ हम सियासत देखते हैं, उसका रुख दूसरी चीज़ों की तरफ है, कभी इंतखाबी इस्लाहात की बात हो रही होती है कि हम इनको नहीं मानेंगे, कभी ऑडियो वीडियो का जिक्र हो रहा होता है। तो सर महंगाई, आम आदमी के मसाइल, ये आपको प्रायोरिटी पर नज़र आ रहे हैं इस वक्त? ऑपोजिशन की आपकी प्रायोरिटी पर हैं? आम आदमी अगर प्रायोरिटी पे होते तो इस किस्म के मुआहदे नहीं होते, आम आदमी प्रायोरिटी पे होते तो इस किस्म के जजेस भी नहीं होते, इस किस्म की वीडियोस भी नहीं आती। जहां तक क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है तो क्रेडिबिलिटी तो ये है कि हम 20वें नंबर पर रहे। तो प्रायोरिटी जब तक आप लोगों की आवाज को नहीं बनाएंगे, जब तक लोगों के इश्यूज को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, जब तक लोगों की जो विल है, लोगों का जो डिसीशन है थ्रू देयर वोट, उसको हम अहमियत नहीं देंगे, तब तक तो यही होना है ना। आज ये यही हो रहा है कि भाई साकिब निसार की क्रेडिबिलिटी, क्या क्रेडिबिलिटी? वही क्रेडिबिलिटी है जो आज के नैब के चीफ की है। नैब का चीफ क्या कर रहा है? जो इमरान खान कह रहा है, साकिब निसार भी वही कर रहा था। हमारे जुडिशरी की इंसाफ का निजम कहते हैं कि जहां जालिम के निजाम तो चल सकता है लेकिन इंसाफ के बगैर हुकूमतें नहीं चल सकती। तो यहाँ पे तो ये सूरत जाकर खड़ी है ना। वही साकिब निसार है जो एक शर्जील मेमन के को देखने के लिए उसके कमरे में क्या हो रहा है वो हॉस्पिटल के कमरे में घुस गए, जो एक सिविल जज को ही ऑर्डर दे देते तो वो चेक कर लेता कि क्या है, एक दूसरे पे टास्ट या उनको कोई खबर लगानी थी। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ खबरें लगाने के पीछे भागेंगे, मुल्क के गवर्नेंस को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, आज के हालात में क्या हो रहा है? हमारी जुडिशियरी के छोटे छोटे इश्यूज के नोटिस ले लेती है, लेकिन गवर्नमेंट के कारकर्दगी पे इस गवर्नमेंट को तो कोई देखने के लिए तैयार नहीं है ना। आवाज नहीं आ रही। हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे जाकर पहुंची है? जो अभी आप बात कर रही थी कि IMF से मुआहदा हो गया, तो एक शर्त में दूसरा शर्त, दूसरे शर्त में तीसरा शर्त, हम तो कहीं के भी नहीं रहे हैं, हमारी कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है। जो कुछ वो कह रहे हैं वो मानते जा रहे हैं, और उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? एक कॉमन मैन कीमत अदा कर रहा है। ये चोर डाकुओं की जो बात करते थे, लेकिन सर सवाल ये भी है ना कि 3.5 साल हो गए, ऑपोजिशन ने क्या कर लिया इस हुकूमत के खिलाफ? आप लोगों ने ही जाके रिप्रेजेंट करना है ना, या आम आदमी की आवाज़, आम आदमी के मसाइल को उजागर करना है पार्लियामेंट के अंदर, या आप तो सोशल मीडिया भी है, मीडिया के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो आप लोगों ने 3.5 साल में क्या किया ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन ज्ञानचंद साहब भी हैं, लालचंद मल्ही साहब भी हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, उनको भी शामिल करते हैं। सर आप सुन रहे हैं सारी बात हमारे जो मेहमानों की, सबसे पहले तो बताइए क्या कहेंगे आप ये जो आजकल चल रहे हैं इश्यूज इसके ऊपर, और IMF से बाहर हाल फाइनली मुआहिदा जो है वो तय पा गया है, इसके कुछ पॉइंट्स हमारे साथ भी शेयर कर दें कि क्या क्या होंगे। जी शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू पे आज बात हो रही है आपके साथ।
देखिए, आप और कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जहाँ तक इस आरडीओ की बात हो रही है, आरडीओ से पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये आरडीओ किस टाइमिंग पे आई है। आरडीओ और वीडियो उस टाइमिंग्स पे आ रही हैं जब एक मुलजमा है उनकी हेयरिंग डे टू डे पे होने वाली है। उससे पहले आप थोड़ा सा इसकी तारीख में जाएं। जिस मुकदमे में इनको सज़ा हुई है, नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को, वो मुकदमा हमने नहीं बनाया था, वो इंटरनेशनल एक कंस्टोरियम था जर्नलिस्ट का, वहाँ से ये खबर आई पनामा में कि इनकी बार बियॉन्ड द मीन्स बेनामी जायदादें मौजूद हैं। उसके बाद कौमी असेंबली में इन्होंने आके गलत बयानी की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो केस सुना, उसके बाद जीआईटी बनी, जीआईटी के बाद वो केस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में गया, उसके बाद इनको सजा हुई है। ये है एक पोर्शन। इसका इन ऑडियो वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, ना पनामा से इस ऑडियो का ताल्लुक है, ना जीआईटी से इसका कोई ताल्लुक है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है ताकि कोर्टों को प्रेशर्स में लाया जा सके, ताकि वो इनके हक में फैसला करें, जो मुझे यकीन है कोर्ट्स किसी भी सूरत में इस प्रेशर में नहीं आएंगी। आप देख रही हैं कि कुछ दिनों से मुसलसल अपोजिशन पाकिस्तान की अफवाज और जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को, इवन पार्लियामेंट को भी अपने अटैक्स का निशाना बना रही है, ताकि वो हर सूरत में चाहते हैं कि अगर वो इख्तदार में ना हो तो मुल्क का कितना भी नुकसान हो जाए उन्हें इस बात की परवाह नहीं है। तो सर, आपकी पार्टी की हुकूमत है ना, ये बताइए, आज वजीर आजम ने भी कहा है कि ये नून लीगी जो है ये इदारों को, शख्सियात को मुतनाज़े करते हैं, उनके उनकी साख जो है उसको दाव पर लगाते हैं, तो आपकी हुकूमत है, आप लोग क्यों कुछ नहीं करते हैं इस सिलसिले में? जी कर रहे हैं, हम हर वो काम कर रहे हैं जो इस मुल्क के मुफाद में हो, जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आए। सर थोड़ा सा डिटेल्स बताइएगा ना कि क्या कर रहे हैं, स्पेशली इदारों को जो मुतनाज़े बनाने वाली बात है उस सिलसिले में आपकी हुकूमत क्या कर रही है, थोड़े जरा डिटेल्स बताइए। देखे देखे देखे, मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि इदारों की इज्जत कैसे की जाती है। इदारों ने, आप इसी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा एक हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर को कॉल की और वो आधे घंटे के नोटिस में इदारों के एहतराम में जाके पोडियम पे खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनके सवालात के जवाब दिए और कहा, और सुप्रीम कोर्ट को अश्योर किया कि जो भी आपके एहकाम होंगे ये हुकूमत जो है उस पर मनोन अमल करेगी। हमने ये नहीं कहा कि हम सुप्रीम, जैसे पीपल्स पार्टी ने क्या किया था, यूसुफजा गिलानी को बुला बुला के सुप्रीम कोर्ट थक गई थी तो उन्होंने उसका हुक्म मानने से इनकार किया था, एक खत लिखने से इनकार कर दिया था। ये हमें कोर्टों की इज्जत सिखाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में हमले करते थे? जस्टिस कयूम, ये ज्ञानचंद साहब साथ हैं, इनकी लीडरशिप को सजा दिलाने में तो जस्टिस कयूम का हाथ था। हमने कौन से इदारे की तस्दीक की? हमने जब रिगिंग के खिलाफ कैंपेन की, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया 2013 के इलेक्शंस का, हमने उसको मनोन कबूल किया। उन्होंने पनामा का जो फैसला किया हमने मनोन कबूल किया। आज भी सुप्रीम कोर्ट कॉल करती है तो हमारी प्राइम मिनिस्टर वहां पे हाजिर हो जाते हैं, हमारे मिनिस्टर्स हाजिर हो जाते हैं, वो जवाबदेह हैं। हम इदारों से लड़ाई करना, इस मुल्क को कमजोर करने के मुतालिफ है। हर कुछ दिन के बाद सोशल मीडिया से ये मामला शुरू होता है कि कोई ऑडियो वीडियो या कोई इस तरह की चीज आती है जिससे हम देखते हैं कि इदारे जो हैं वो मुतनाज़े बनते हैं, उनके ऊपर बातचीत शुरू हो जाती है। FIA आपके अंडर है, आप क्यों नहीं एक्टिव करते और ये क्यों नहीं पता लगाते कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर डालते हैं और उससे जो मुल्की सियासत जो है उसकी सारी बातें उसके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं? देखिए, अगर आप ये बात कर रही हैं तो सोशल मीडिया इसका जिम्मेवार नहीं है, हम खुद जिम्मेवार है इसके। ये हर कोई समझता है कि ये सोशल मीडिया पे कौन डाल रहा है इसका। जब कोई क्राइम होता है ना, सबसे पहले ये देखा जाता है इस क्राइम का या इस चीज का फायदा किसको होगा। आजकल जो कुछ हो रहा है, जब से मरियम नवाज की डेट फिक्स हुई है हेयरिंग के लिए, तब से ये मुसलसल ये चीजें ले आना, तो सिंपल सी बात है कि इशारा किस तरफ जाता है। बाकी सोशल मीडिया या इंटरनेट इतना फास्ट हो गया है, ये बहुत मुश्किल हो गया है आजकल के आप सही और झूठी खबर में बड़ी आसानी से फर्क कर ले, ये हो नहीं पा रहा क्योंकि इंफॉर्मेशन की स्पीड इतनी तेज हो गई है। लिहाजा इस हुकूमत के सोशल मीडिया के रूल्स भी हैं, FIA भी एक्टिव होगी और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इदारों को मुतनाज़ा ना होने दें और इस मुल्क की तरक्की के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम करती रहे। ठीक है, अहमद रजा कसूरी साहब, आप क्या समझते हैं सर,
عوامی ریلیف جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے کسی بھی حکومت کی کامیابی کے لیے؟ کون سی حکومت کو ہم کامیاب کہیں گے؟ وہ حکومت جس نے عوام کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے، یا پھر وہ حکومت جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف زیادہ تر بیان بازی کے بلبوتے پہ چل رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان کا عزت، احترام اور وقار جو ہوتا ہے ان کی پرفارمنس پہ ہوتا ہے. جتنی گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہوگی، اور گورنمنٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے لوگوں کی پرابلمس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایٹ اے گورنمنٹ لیول ایکشن از ریکوائرڈ، وہ اس میں ہچکچاہٹ نہیں کرتے، بلکہ اگریسولی اس معاملے کو 2 قدم آگے بڑھ کے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ نواز اپنا عمران خان کے ساتھ پاس انفارچونیٹلی ہی ڈزنٹ ہیو اے ٹیم. اس کے پاس اس ینگسٹرز ہیں جن کی کوئی میونسپل کمیٹی کی بھی ٹریننگ نہیں ہے کہ میونسپل کمیٹی کو کیسے رن کرتے ہیں. وہ دے ہیو بن ایلیویٹڈ. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک آپ نیب تحصیلدار سے خوش ہو کے اس کو اگلے دن ڈپٹی کمشنر بنائیں تو وہ مینٹلی نیب تحصیلدار ہی رہے گا. وہ ہی ول ناٹ بہیو، ہی ول ناٹ ایکٹ لائک، ہی ول ناٹ ڈسچارج ہز ڈیوٹی لائک اے ڈپٹی کمشنر. وہ مینٹلی وہ نیب تحصیلدار ہی رہے گا. تو یہ جو ان کی جو ٹیم ہے اٹس اے ویری پوئر ٹیم. اٹ ڈز ناٹ انسپائر کانفیڈنس ان دی پیپل آف پاکستان. نہ ان میں تجربہ ہے. سو انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ پرابلمس جو ہیں بہت ہیں، اور پرابلمس کو یہ جو ہے سائڈ ٹریک پر کر دیتے ہیں، اس کو بجائے ڈیل کرنے کے اسٹریٹ فارورڈ جا کے میٹ کریں پرابلم کو اور اس کو حل کریں. یہ پرابلم سے پہلو تہی کرتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح گورنمنٹیں نہیں چلتی، اور گورنمنٹیں وہی عزت اور احترام کی حقدار ہوتی ہیں جو عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ڈیل کرتی ہیں. آج دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ بھائی 1 کروڑ جابز ہوں گے، 50 لاکھ جو گھر ہوں گے، اسی اپنا جو رشوت لے گا اس ملک میں رہ نہیں پائے گا، جو آئی ایم ایف سے پیسے مانگے تو خودکشی کر لی جائے. اپنا دیز آر آل اسٹیٹمنٹس اسی آن ریکارڈ، اور ان ساریوں سے ڈیویٹ کیا گیا ہے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو وڈرا کیا ہے. سو گورنمنٹیں چلتی ہیں کریڈیبلٹی پر. گورنمنٹیں چلتی ہیں کریڈیبلٹی پر. آئی ایم یوزنگ اے ویری ویری پرٹنٹ ورڈ آن دی بیسس آف مائی 50 ایئر ایکسپیرینس. کریڈیبلٹی، جب گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے تو بس سمجھ لیں کہ وہ گورنمنٹ ڈاواں ڈول ہو گئی. یہاں کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. آپ نے رکھے ہوئے رضا باکر جیسے لوگ ہو آر ناٹ گورنر اسٹیٹ بینک، دے آر لکوڈیٹر آف دی آئی ایم ایف، دے آر لکوڈیٹر. اسی آج بھی ان کے جاب جو ہیں واشنگٹن میں قائم اور دائم ہیں، ان کے فلیٹس تک جو ہے آئی ایم ایف مینٹین کر رہی ہے. آپ نے کن کے ہاتھوں میں یہ ریاست کو پکڑایا ہوا ہے؟ آپ نے تو اس ریاست کو یتیم سمجھا ہے، آپ نے اس کو یتیم سمجھا ہے. بڑی اہم بات کر رہے ہیں احمد رضا قصوری صاحب کہ یہ حکومت اپنی کریڈٹ جو ہے وہ کھو چکی ہے، اور اگر حکومت کریڈیبلٹی کھوجے تو پھر اس کے بعد ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے، اس کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. مزید بات کریں گے جی اس پروگرام میں، بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. کیسر صاحب، ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی، وہ یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہم کئی عرصے سے سن رہے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں، جو ان سے قرض ہمیں چاہیے، قرض کی قسط چاہیے، اس کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آئی ایم ایف کی جو شرائط تھی وہ بھی ہمارے سامنے گاہے بگاہے آتی رہیں، گو کہ حکومتی جو نمائندے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے ساری شرائط پر ابھی عمل درآمد نہیں کیا ہے، لیکن فائنلی ہم نے دیکھا کہ بجلی بھی مہنگی ہو گئی، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، ٹیکس چھوٹ جو تھی وہ بھی ختم ہوئی، سبسڈیز بھی ختم ہو گئیں. تو سر، کیا کڑوی گولی عوام کھا چکی ہے اس معاہدے کے ہونے سے پہلے، یا پھر اس معاہدے کے بعد مزید کڑوی گولی جو ہے وہ عوام کی منتظر ہے؟ دیکھیے، آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنز لگائی ہیں نا، لیکن ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ تو جب ہم قرضے لیتے رہیں گے اور ان کو لیوش خرچے کرتے رہیں گے،
और उनका इस्तेमाल ठीक नहीं करेंगे तो ये तो होगा ना। फिर कड़वी गोली तो IMF तो ज्यादा से ज्यादा कंडीशनें लगानी है, उसने तो कर्जा देना है। उसने तो देखिए IMF ने ये कहा, ये कहते रहे कि आप अपना बजट का खसारा कम करें, आप कर्जे कम करें, आप अपनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का खसारा जो जो करंट अकाउंट है उसको कम करें। तो ये तो हमसे हो नहीं पा रहा। देखिए आप कल परसों मैंने अखबार में बड़ा देखा तफसील से कि चाइनीज इकोनॉमिस्ट आए हुए थे, उन्होंने कहा कई आपका कोई और दुश्मन नहीं है, आप खुद अपने दुश्मन हो। 30 साल से आपने इंडस्ट्री लगाई हुई है कारों की और असम्बल कर रहे हो और अरबों डॉलर की आप मंगवाए जा रहे हो और एक्सपोर्ट तो कर नहीं पा रहे। आपने उनसे जिनसे टेक्नोलॉजी ली थी उनसे कहना था ना कि हम अपने लिए भी मंगाएंगे और आपके इतना एडवांस होनी चाहिए कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। हमें तो सिर्फ पैसा बनाना, क्योंकि ब्यूरोक्रेट भी साथ शामिल है और हर एक जो जितनी रिश्वत देते हैं वो अमीर के लिए सारी पॉलिसियाँ बन रहे हैं और फर्क अमीर और गरीब का गैप बढ़ता जा रहा है। IMF ने तो जो शर्तें लगाई हैं ना, देखिए हमने जब मुस्लिम लीग के दौर में छोड़ा तो फी कस पाकिस्तान का 1,20,000 कर्जा था, आज हर बच्चा जो पैदा होता है वो 1,90,000 से ज़्यादा मकरूज हो गया। अब ये बार बार 3 साल बड़ी खुशियां मनाते थे कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर लिया, हमने डॉलर तो बढ़ा दिया लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। अब उतना ही 4 महीने में 5,000 या 1 अरब डॉलर हो गया है और वही 15-16 अरब इस हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। मैं मुझे ये बताइए कि कोई एक चीज़ इनकी, इन्होंने करना क्या था? इन्होंने कहा था कि जो कमियाई गई इंडस्ट्री है जो खसारे में है, जिसका हर साल 700-800 अरब खसारा होता है, हम उसको या तो नफे में लाएंगे या उसको प्राइवेटाइज करेंगे। क्या हुआ? कुछ एक काम नहीं हुआ, ना PIA, ना स्टील मिल, ना रेलवे, कोई भी चीज़ तो देखिए ना इनसे हो नहीं पा रही। फिर किस तरह जब खसारे पे खसारा बढ़ता जाएगा? फिर उन्होंने ये कहा था कि हम बाहर से पैसा लाएंगे। दो चीज़ें हैं जिससे करंट अकाउंट बेहतर हो सकता है खसारा, एक तो बाहर का पैसा आ जाए, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, और इन्होंने कहा था कि हम बहुत पैसा लाएंगे और लोग यहाँ नौकरियाँ करने आएंगे। अब बाहर से पैसा तो पिछले साल इंडिया में 44 अरब डॉलर आया है और पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर आया है बाहर का पैसा। हमने माहौल ही ऐसा साजगार नहीं बनाया कि हमारे यहाँ कोई लोग यहाँ आए और यहाँ इंडस्ट्री लगे। मुझे ये बताइए कि इनकी कौन सी कल जो है वो सीधी ऐसे ही कहा कसूरी साहब ने कि इनके पास ना खुद प्राइम मिनिस्टर को अंदाज़ा है और ना उसकी टीम में कोई ऐसी कोई कंपिटेंस है या कोई नाअहल सारी टीम है। तो ये तो अगर और नुकसान कर रहे हैं, लोग तो बेचारे तड़प रहे हैं इस वक्त, महंगाई और दिन बढ़ेगी। मैं आपको बताऊं अगले 3-4 महीने में जो कुछ हुआ है, इन्होंने खुद कह दिया कि 4 रुपये फी महीना तो इन्होंने पेट्रोलियम लेवी कम करनी है, जो लगानी है उस पर पहले जो कम की थी तो उसको दोबारा लगा देना है। अब हर महीने तकरीबन अगले 7 महीने बाकी हैं या 8 महीने इस साल में, तो 30 रुपये इन्होंने वो बढ़ानी है और दुनिया में प्राइस बढ़ रही है वो अलग बढ़ रही है और अगर करेंसी की डिवैल्यू हो रही है तो वो अलग बढ़ रहा है। तो 3 किस्म की महंगाई आनी है। 4 रुपये तो लेवी इन्होंने कम करनी है नंबर वन, अगर दुनिया में कीमत बढ़ गई वो बढ़नी है, जो डॉलर रोज बढ़ रहा है उसकी वजह से, तो ये कहाँ रुकेगा? कोई रुकने वाला नहीं है और इनकी प्लानिंग नहीं है। जब तक ये कुछ काम ही नहीं करेंगे, इन्होंने किया क्या है? कोई भी एफिशिएंसी किस जगह दिखाई है? नौकरियां थी बेचारे लालचंद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे या ये सवाल करूं आपसे? कोई काम बता देना, इनसे पूछते हैं ना अक्सर कि भाई आपने 3.25 साल में कुछ किया है, तो कुछ बता नहीं सकते जी। जी देखिए मैं जरूर इस पर कुछ कह रहा, सबसे पहले तो कसूरी भाई आपने बात की क्रेडिबिलिटी की, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूं कि हुकूमतें वो चलेगी जिनकी क्रेडिबिलिटी होगी। अब देखना ये है क्रेडिबिलिटी किसकी है, इमरान खान की या PMLN के लीडरान की या पीपल्स पार्टी के लीडरान की। देखिए इमरान खान ने अपना फ्लैट बेच के वो पाकिस्तान पैसे लाए, उन पर केस हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हर रसीद दी और अपनी क्रेडिबिलिटी शो की। यहाँ पर इन्होंने सरे महल खरीदा, इन्होंने फ्लैट खरीदे और पाकिस्तान का पैसा ये बाहर ले गए और इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुके हैं। अब इनको इस मुल्क की आवाम रद्द करते हैं। जहां तक इन्फ्लेशन का मामला है तो यकीनी तौर पे ये शेख साहब को भी और आपको भी बताना चाहिए कि इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में, कैनेडा में, पूरी दुनिया में बड़ी है और जो हालात खराब कोविड की वजह से बाकी मुल्कों में हुए हैं वो अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है, पाकिस्तान उससे बचा है। क्योंकि कोविड की जितनी अच्छी तरीके से पाकिस्तान ने हैंडल किया है, वो नंबर 1 पे है कोविड हैंडलिंग में
और उसको सारी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। आईएमएफ का जाने का हमारा कोई शौक नहीं था। शेख साहब को यह भी बताना चाहिए कि ये किस कंडीशन में इकोनॉमी पाकिस्तान की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से की थी उन्होंने। यस, हमने बात की थी बाहर पैसे ले आने से, और 30 बिलियन डॉलर जो है वो एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तान भेज रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हम जब उनको वोटिंग का राइट देना चाहते हैं, जो पैसे भेज रहे हैं जिनके पैसों से पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होती है, आप कहते हैं कि वो हम नहीं होने देंगे। तो लिहाजा ये आपके कर्जे उठाए हुए हैं जिस पे हमें कर्जा भरना पड़ रहा है, जिसकी सूद की सूद पे करना पड़ रहा है। आप ये बताइए कि कब तक, एक मिनट बढ़ेगी, ये सवाल है ना मेरा कि कब तक बढ़ेगी, आवाम कब तक इंतजार करेगी? हाँ जी 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 मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ। मैं, इन्होंने जो 30 साल हुकूमत करके हमारी 3 सालों में ये सारा मलबा हम पे गिराने चाहते हैं, तो पाकिस्तान की आवाम इतनी भी सादा नहीं है जितना ये समझते हैं। आवाम इनको भरपूर जवाब देगी, और मैं आपको अश्योर करता हूं, देखे ये जो क्रंच आया हुआ है इन्फ्लेशन का, अब इसको डाउनवर्ड जाना है। आज ये डॉलर आएगा, जब मुख्तलिफ तरीके से मुल्क में डॉलर आएगा तो यकीनी तौर पर डॉलर ईज होगा, डॉलर के डीवेल्यूशन भी होगी, और डाल पाकिस्तान रुपी उसके नस्बत मुस्बत भी होगा, जिसके इकोनॉमी पे अच्छे असरात भी होंगे। और जैसे जैसे अब ये कोविड का मामला खत्म हुआ है, दुनिया की इकोनॉमीज रिवाइव हो रही हैं, ये जो 3-4 महीने में शेख साहब कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पर महंगाई कम होना 3-4 माह में शुरू हो जाएगी। ठीक है, 3-4 माह कह रहे हैं आपके, उसके बाद महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। ज्ञान, आपको लगता है कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी महंगाई कंट्रोल करने में? देखें, ये एक वायदा इमरान खान ने भी किया था जैसे ही गवर्नमेंट में आए थे। मैं गवर्नमेंट से पहले जो वायदे किए थे उनको रिपीट नहीं कर रहा, कि हम 100 दिन में जो है ना आपको करके दिखाएंगे कि करप्शन को कैसे खत्म करना है, इस महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, मौशत को कैसे सुधारना है। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई झूठ के सवाए इनके कोई बोलने के लिए कोई चीज बाकी बची है। ये जो भी वायदे करते हैं वो पूरे नहीं करते। आईएमएफ से कर्ज हम पहली दफा नहीं ले रहे हैं, लेकिन पहले कुछ परफॉर्मेंस होती थी, हमारी कोई नेगोशिएशन, कोई अहलियत होती थी। ये इनकी नाहलियत है कि शर्तों पे शर्त लगे जा रहे हैं। फिर इन्होंने कौन सा कारनामा किया है? इनकी इन्वेस्टमेंट जो भी आई है वो कहाँ पे आई है? क्या मुल्क के हालात जो भी है, मुल्क कैसे भी हालात थे, इकोनॉमी की क्या भी पोजीशन थी, जो 18 में इनको मिली है गवर्नमेंट, उसके बाद इन्होंने कर्जे कितने लिए हैं, उसके बाद इकोनॉमी किस तरफ गई है, लोगों का जीना आसान हुआ है या लोगों का जीना मुश्किल हुआ है, तो ये तो पूरा पूरे सिस्टम को जैम करके रखता है। एक तरफ जो पहले हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों के 4, 5, 6 जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज तक मुख्तलिफ जजेस ने एतराफात किए हैं, मुख्तलिफ स्कैंडल्स आए, एक कमीशन बन जाए, पता चले कि जुडिशरी पे जो इल्जाम आते हैं वो अपना धब्बा धो दे तो पता चल जाए। आप लोग तो इलेक्ट्रिक के बिलों पे नोटिस, छोटी छोटी चीजों पे नोटिस दिया जा चुका है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है जुडिशरी पे, खासतौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे के बाद ये इल्जाम है कि एक चीफ जस्टिस पे इल्जाम आया है, तो उसकी सफाई होनी चाहिए। ये जुडिशियरी की बेहतरी के लिए तो बहुत जरूरी है। तो बाकी इमरान खान और इसकी हुकूमत से तो कोई उम्मीद न लोगों ने अभी रखी है, लोगों ने तौबा कर दी है इस तब्दीली से। लोग अब इस इंतजार में से कि इन कुरान से कब जान छूटे, कब इन महंगाई से हम जान छुड़ाएं। यानी आप नहीं समझते कि ये कंट्रोल कर पाएंगे महंगाई पे? अहमद रजा कसूरी साहब, आपने बात सुनी है ज्ञानचंद साहब की, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा कमीशन बन जाए जो हर चंद सालों बाद, चंद महीनों के बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सामने आती है जिससे सवाल उठ जाता है, और जुडिशरी का जो इदारा है उसके ऊपर बात की जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात शुरू हो जाती है। तो आपको नहीं लगता जो ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि कोई कमीशन बन जाए और बैठ के इसके ऊपर जरा तहकीकात की जाए कि बेसिकली मसला है कहाँ पे? देखें मोहतरमा, बात यह है कि मेरी एनालिसिस के मुताबिक इससे सिस्टम क्लैप्स, उसी एस्टेब्लिशमेंट क्लैप्स हो गई हुई है, उसी द पार्लियामेंट हैज क्लैप्स, ईच टाइम यू कॉल द पार्लियामेंट
दस्तों गरीबान होते हैं, गाली गलौज होते हैं, ना वहाँ कोई फॉरेन अफेयर्स पर डिबेट हुई, ना वहाँ सिक्योरिटी पर हुई, ना वहाँ इकॉनमी पर हुई। इससे वेस्ट ऑफ मनी, टोटल वेस्ट ऑफ मनी, इट इज फ्लॉप्ड थी, ये क्लैप्स कर गई है। जुडिशरी हैज क्लैप्स्ड, पोलिटिकल पार्टीज हैव क्लैप्स्ड, पूरा का पूरा जो रियासत है एक सतून पर खड़ी हुई है, उसका नाम है अफवाज पाकिस्तान। और उस अफवाज पाकिस्तान को यहाँ के लोग जो हैं, जिन्होंने कोई एक एक किताब पढ़ी है जमहूरियत पर, तो वो जो अपना इंटेलेक्चुअलिज्म, आई कॉल दम सूडो इंटेलेक्चुअल, जो सूडो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, तो उनका पहला टारगेट अफवाज पाकिस्तान होता है। उसी जब वो कोई जमहूरियत के हक में या रूल ऑफ लॉ के हक में बोलते हैं, तो पहला उनका टारगेट अफवाज पाकिस्तान होता है। ये जो है अजय देवाल का जो डॉक्ट्रिन है, उसके मुताबिक दिस इज़ ए हाइब्रिड वॉर, दिस इज़ ए फिफ्थ जनरेशन वॉर। अब जंग जो है बॉर्डर पर गर्म जंग नहीं होनी है, अब जहनों में जंग होनी है। इन्होंने जो है सेक्टेरियन क्राइसिस, शिया सुन्नी क्राइसिस, सूबों के उसी अपना क्राइसिस, उसी यहाँ ग्रेटर बलोचिस्तान की बात होगी, यहाँ सिंधु देश, सिंधी कार्ड की बात हो रही है, और यहाँ के कुछ पाकिस्तान का कार्ड भी तो दिखा दो यार, फॉर गॉड सेक, यहाँ डिफरेंट कार्ड चल रहे हैं। यहाँ मैं जो पीपल हु मैटर, मैं उनको अब एडवाइस करूँ, क्योंकि मैं तकाबल की पोजीशन में हूँ। मैंने आधा पाकिस्तान अपनी आंखों के सामने टूटते देखा। आई वॉज ए मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट उसी इन 1970। आई हैव सीन पाकिस्तान ब्रेकिंग अप इन फ्रंट ऑफ माई आईज। उसी अब मुझे वही सिनारियो, वही हालात नजर आ रहे हैं। और खुदा की कसम, मैं कभी जो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो ज़्यादा आप परेशान होती हैं। मैं किसी अगर रात को उठ पड़ता हूँ परेशान होकर कि यहाँ होने वाला क्या है। उसी ये वी आर ए क्राइसिस सिचुएशन, तो देयरफॉर दिस सिस्टम हैज क्लैप्स्ड। या तो ये कोई आपस में बैठ के इसको कोई सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर लें, कोई समझौता कर लें। अगर इन्होंने बिल्कुल ऐसे ही साथ बैठकर सोचना, पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। मजीद बात करेंगे जी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर लेते हैं अपोजिशन की। आज पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ और जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं कि मार्च में मार्च किया जाएगा। अपोजिशन अब इकट्ठी मार्च करेगी, तब तक इकट्ठी रहती है नहीं रहती, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी छोड़कर चली गई थी पीडीएम को। मौलाना फजल रहमान काफ़ी नाराज़ हो गए थे नून लीग से भी और पीपल्स पार्टी से भी। कैसर अहमद शेख साहब से ये जान लेते हैं। कैसर साहब, मार्च का कहा गया है कि मार्च में मार्च होगा, पहिया जाम होगा, एहतजाज होगा, काफ़ी देर नहीं हो जाएगी? क्यों इतनी देर में एहतजाज की तरफ जा रही है अपोजिशन? मुझे जरा क्लियर, आपकी आवाज पूरी कट कट के आ रही है, मैं समझा नहीं आपका। कैसर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऑपोजिशन जो है वो बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि बार बार कॉल देती है कि अब हम एहतजाज करेंगे, अब हम जलसे करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये सिर्फ तारीखें दी जाती हैं, आगे होता कुछ नहीं है। अब मार्च का ऐलान किया गया है कि मार्च में मार्च होगा, तो क्या वाकई में होगा? और अगर होना ही है एहतजाज और रैलियां होनी है, तो फिर इतनी देर क्यों की जा रही है, फौरी तौर पर क्यों नहीं किया जा रहा? जी देखिए, ये क्योंकि ये हुकूमत तो मुकम्मल फेल हो गई है, इसकी कोई भी पॉलिसी कामयाब नहीं हुई, और लोग हमें दबाव डाल रहे हैं। जब हम अपने हलकों में जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। हम ना चाहते हुए भी उसके अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं है कि इस हुकूमत के खिलाफ जो पुरजोर एहतजाज है, लोग भी बाहर निकले, और हम बिल्कुल हमने जिस तरह प्लान किया है, हमें इस हुकूमत को हटाने के लिए लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा और भरपूर एहतजाज करना पड़ेगा और रैलियां करनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो सुधरे नहीं ना। हमारे इदारों में देखिए, असम्बलियों में क्या हाल हो रहा है, एक जंग का सामान बना हुआ है। हमारे जो ब्यूरोक्रेट है उसमें सुर्ख फीता ही सुर्ख फीता है, कोई बेहतरी नहीं हुई कि कोई करप्शन कोई कम हो गई हो। हमारे बिजनेस में हर कोई अपने अपना पैसा बना रहा है, हर कोई चाहता है कि मैं ज़्यादा ज़्यादा पैसा बना लूँ, ये नहीं कि वो टैक्स की तरफ आएँ और वो अपने अकाउंट, वो जो अपने आप को ज़्यादा ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में और वो ज़्यादा ज़्यादा टैक्स में अपने आप को दें, और क्योंकि चाहिए इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है।
तो पहले दिन से हमने तो कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, तो कोई भी इदारा जो है ना, इसके अलावा आप देख रही हैं कोई कि कोई भी जब तक इदारे सारे मिलके चलेंगे नहीं और हम अपने काम नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, और ये तो बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है जी हुकूमत के खिलाफ। लेकिन देखिए इसका एक्चुअली तो हमें अपने मुल्क के लिए हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ एहतजाज बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि उससे पहले वो कुछ ना कुछ तो आके बैठे ना, अपोजिशन के साथ बैठे और मिल के कोई लाए अमल बनाए। मुल्क हमारा इस वक्त बड़ी बुरे हालात में है और मुल्क और फर्दर नीचे चला जाता रहेगा, जिस तरह IMF ने लालचंद साहब का कहा है कि टैक्स बढ़ाओ। और ये सुन रहे हैं कैसे साहब की बात, तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत आके बैठे तो सही ना, हमसे बात तो करे, तो हुकूमत क्यों नहीं बैठती है? और दूसरा मेरा सवाल ये कि ऑपोजिशन अब जो एहतजाज करने जा रही है, आप कैसे देखते हैं, किस तरह से डील करेगी हुकूमत ऑपोजिशन के एहतजाज को? देखिए मुझे आपकी आवाज़ क्लियर समझ में नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने कहा कि कोई कमीशन बने और उसको टेप को इन्वेस्टिगेट करे। मुझे बताएं कि अपोजिशन के खिलाफ जितने भी फैसले आए हैं, कौन सा फैसला अपोजिशन ने कबूल किया है? कभी नहीं करती अपोजिशन। जो उनके फेवर में फैसले आते हैं सिर्फ उनको वही कबूल होते हैं, और जो उनके खिलाफ आते हैं उनको कबूल नहीं करते हैं। कसूरी साहब बड़े सीनियर आदमी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप मायूसी ना फैलाएं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी काम कर रही है, यहाँ पे पाकिस्तान की फौज भी काम कर रही है, यहाँ पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी काम कर रही है, और यहाँ पे पाकिस्तान की जुडिशरी भी काम कर रही है, और पाकिस्तान एक मुनज़म और मुस्तहकम स्टेट है, और उसके खिलाफ इतनी मायूसी आप ना फैलाएं। जहाँ तक अपोजिशन या PDM, अपोजिशन नहीं PDM जो है वो ऐलान करने वाली है मार्च का, तो पहले मैं इनको कहूंगा कि पहले आप मुझे बताएं, ज्वाइंट सेशन में आपके 13 MNA गुम हो जाते हैं, आप जब सेनेट में लेजिस्लेशन के लिए जाते हैं तो आपके वहां से सेनेटर गुम हो जाते हैं, तो आपको आपने ये जो बात करती है पीपल्स पार्टी कि हमने वादे किए 3 साल में नहीं पूरे किए, आपने तो 1973 में कहा था कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, कौन सा आपने लोगों को रोटी कपड़ा और मकान दिया है? आज जो छपी है खबर जो ओम्बड्समैन ने सिंध के ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट की सिंध के बारे में जो खबरें छापी है वो देख के आप हैरान हो जाएंगे। 18वीं तरमीम के बाद क्यों आटा सिंध में जो है वो 85 रुपये किलो और पंजाब में 55 रुपये किलो मिल रहा है, उसका क्या फर्क है? हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में जो खबर आई है वो ये है सिंध के कि इन्होंने कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में 15 साल से कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया है, वहां पे इमरजेंसी में दवाएं जो है वो लोग अपने पैसों से भाग दौड़कर इमरजेंसी में लेके आते हैं दवाओं की। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की ये पोजीशन है, ये आज की बता रहा हूं मैं, पुरानी खबरें नहीं, आज की जो खबर है जो सिंध के वजीर आला को जो पूरी रिपोर्ट पेश कर दी गई है वो उसमें शामिल है। जहां तक इनके लॉन्ग मार्च है तो जो पहले भी असद उमर साहब ने कहा था मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, आवाम इनको सियासी कुट देगी, ये घरों से नहीं निकल सकेंगे, इनकी इनके जो अभी नाकाम तरीन जलसे हुए और जो इनमें जो PDM में इख्तलाफात है, जो नून लीग में इख्तलाफात है, जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में इख्तलाफात है, ये अपना घर ठीक नहीं रख सकते, तो आवाम को कहां से ये जाके रिलीफ देने के लिए निकलेंगे? ठीक है सेनेट ज्ञानचंद साहब, ऑपोजिशन की जो है थोड़ी सी पतली नजर आ रही है, लेकिन ये बताइएगा कि अब जो ऐलानात करने जा रही है मोस्ट प्रोबेबली PDM के मार्च में मार्च होगा, एहतजाज होगा, तो क्या पीपल्स पार्टी हिस्सा होगी इस मार्च का, और PDM का अब हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए PDM का तो यकीनन पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने इंट्रो में बात की थी पीपल्स पार्टी छोड़ के चली गई थी, पीपल्स पार्टी ने नहीं छोड़ा था, ये इस्तीफाओं का ऐलान करके लॉन्ग मार्च को सबूतास किया गया था और वही अभी ऐलान किया गया है। शुरू से साथ ही हैं PDM के? हमने लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां कर रखी थी, जब इन्होंने इस्तीफाओं का शर्त रखकर पूरे PDM को ही खत्म कर दिया था, तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर साथ बैठी हुई है, मियां शहबाज शरीफ और बिलावल साहब की आपस में बात तो हो रही है, मौलाना साहब या बाकी अपोजिशन की पार्टियां भी एक पेज पे अभी काम कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी डिसीजन लेंगे ज्वाइंटली लेंगे,
और जो भी ज्वाइंटली डिसीजन होगा उसको ठीक है। आपका कमेंट आ गया है ज्ञानचंद साहब, वक्त हो गया है, वक्त की कमी की वजह से मजीद जारी नहीं रख सकते हैं हम इस डिस्कशन को। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए हमारे तमाम मेहमानों का। हमारा वक्त खत्म हो गया है, हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।